हेलो फ्रेंड्स। तो कैश रिसीट प्रिंटर है, RP45 का, सॉपी का है, TVS का, इलेक्ट्रॉनिक का इसका मैन्युफैक्चरिंग है। तो जैसे कि हम यहाँ पे DIR करके कमांड देते हैं, एंटर करते हैं, कमांड आता है, थोड़ा बहुत प्रिंट करता है। देखिए, प्रिंट करने के बाद कभी कभी क्या होता है कि ये बंद हो जाता है। ठीक है, देखिए बंद हो गया, चलते चलते ये बंद हो गया। ठीक है, दोबारा कमांड दूंगा तो देखिए फिर चलेगा, थोड़ा बहुत प्रिंट करेगा, बंद हो जाएगा, ऐसे ही करेगा। तो इसका क्या रीज़न होता है, ये वीडियो लास्ट तक देखिए, हम आपको ज़रूर रिपेयर करके बताएंगे। कम कॉस्ट में आपको 50 से 60 रुपये में आराम से रिपेयर कर सकते हो घर बैठे। और इसका एक ही रीज़न है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इसका अडाप्टर है, ये ख़राब है। और अडाप्टर को हम कैसे ठीक करेंगे, जो हमारे रिस्टार्ट की इशू है प्रिंटर की, बंद चालू के वो सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये पेच होते हैं, दो पेच खोल लीजिए, इसमें लगे होते हैं एडाप्टर का। क्या होता है, कैपेसिटर ओपन हो जाता है, जिसके वजह से ये दिक्कत आता है। तो अभी हम ठीक करके दिखाएंगे, कंटिन्यू प्रिंट करेगा। ज़रा इसको रिप्लेस करिए सर, लीजिए। तो देखिए ये हमारा, इसका अनप्लग कर लेते हैं यहाँ से और ठीक करके दिखाते हैं लाइव हाथों हाथ। तो ये अपने हैं यहाँ पे मिस्टर सलमान, ये अभी कैपेसिटर इसका बदलेंगे। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर, ये यहाँ पे फूल चुका है, लीकेज हो चुका है कैपेसिटर। अगर यहाँ से देखेंगे दोनों साइड से केबल निकाल के, तो ये देखिए कैपेसिटर क्या है, यहाँ से लीकेज हो चुका है। ये देखिए हल्का सा फूल चुका है, 450 वोल्ट का है। तो ये मेरे द्वारा ही रिपेयर था किसी टाइम पे, और मैं दोबारा से इसको ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका कैपेसिटर 450 वोल्ट का हम लगा लेंगे और ठीक हो जाएगा, जो रिस्टार्ट की इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जैसे चेंज होता है आपको दिखाते हैं। देखिए टांग भी निकल गई इसकी, क्योंकि अंदर से खराब भी हो चुका था, जिसके वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे। ऐसे तमाम टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे TRC Tech के नाम से फॉलो करिए। और हमारा एक और नया चैनल है, उसको जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्रिएटिव हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी, वो हमारा बैकअप चैनल है, उसको जाके जरूर सब्सक्राइब करिए। उस पर भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो आते रहते हैं, आपको मिलते रहेंगे। ये प्रिंटर जल्दी अभी हम क्लोज़ करके आपको दे देते हैं, जिससे हमारा जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन वो ख़त्म हो जाएगा, सब जीरो। एक पार्ट सुबह से हमें आज रिपेयर के लिए मिला है, वो भी मिला है तो तुरंत जा रहा है रिपेयर होके। तो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा ब्रश ब्रूस को। हाँ, अभी शोल्डर मारेंगे सर इसमें। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी हिडन हमने नहीं किया, जो भी है लाइव किया है, हाथों हाथ अभी लगा के भी देखेंगे। और ये अपना रिपेयर भी हो चुका है, इसको पैक भी कर देंगे। एक कैपेसिटर 10 से 12 रुपए का आता है, 15 रुपए का मैक्सिमम, अब पहले आता था, अब जितना का भी आया मार्केट में अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं, जो भी आपके लोकल, कभी कोई 50 रुपए का देता है, कोई 100 रुपए का देता है, एक ही कैपेसिटर, डिपेंड करता है आपके लोकल अवेलेबिलिटी पे। रिपेयर वाले से लेंगे तो रिपेयर की कॉस्टिंग भी आपसे जोड़ के ले लेगा। ठीक है, तो देखिए इसका कैप है, और इसमें जो कैपेसिटर होते हैं, इसके पोलराइज नॉन पोलराइज होते हैं, इनको आपको देख के लगाना होता है, जिस डायरेक्शन से आप निकालते हैं। तो ये माइनस पॉइंट होता है, तो माइनस को ही फॉलो करते लगाएंगे। इसमें पेच लगा के अभी हम चेक करते हैं, जो हमारी रिस्टार्ट की इशू है वो सॉल्व हो गया है। बस लगाओ अडाप्टर, देखते हैं। तो चलते हैं पावर में, इसको कनेक्ट करते हैं, और ये अपना इधर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, LPT हमने कनेक्ट कर ही लिया है, और जैसे ही ऑन होगा तुरंत, ये देखिए ऑन हो चुका सक्सेसफुली। अब एंटर कमांड मार के देखते हैं PRN का, तो केबल वगैरह निकल गया था पीछे से, दोबारा से हम कमांड करेंगे। देखिए प्रिंट करना चालू कर दिया, और बंद भी नहीं होगा, देखिए कंटिन्यू नॉन स्टॉप प्रिंटिंग करता। दोबारा से कमांड देते हैं, देखिए दोबारा से बंद नहीं हो रहा,
क्योंकि अडेप्टर बेस पे चल रहे हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत प्रिंट होकर बंद हो रहा है तो आप अडेप्टर को डायरेक्ट रिप्लेस करिए या रिपेयर करिए इस तरह से, ठीक है। तीन बार का मान दे चुका। तो ये वीडियो इसी बनाने का ही मकसद था कि आप इजीली आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं ऑन साइट। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।